हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्यूटीफुल सा डीआईवाई बनाना, जो कि एक साइड कॉफी टेबल। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम आज चेयर यूज़ कर रहे हैं, वो एक पुरानी चेयर है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड मैंने सोचा इसको फेंकने के बजाय यूज़ कर लिया जाए। तो सबसे पहले आपको ये जो चेयर है उसके लेग्स निकालने होंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले चेयर पे मार्किंग कर ली है, उसके बाद में मैंने एक नाइफ लिया है, उसको मैंने गर्म करा एंड उसकी हेल्प से मैंने ये जो चेयर के पाँव हैं उन सबको कट करके निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने चारों लेग्स को निकाल के अलग कर लिए एंड इन सब की जो लेंथ है वो इक्वल है। आप चाहो तो चार भी ले सकते हो, चाहो तो तीन भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद में आपको सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी ही के सैंड एंड इक्वल क्वांटिटी ही सीमेंट ली है। नेक्स्टली आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है जिसके अंदर आप अपनी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक परात ली है, आप चाहो तो प्लेट भी ले सकते हो। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है। अगर आपके पास में पेट्रोल एंड ग्रीस वाला ऑयल ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस पर यूज़ कर सकते हो। तो ऑयल लगने के बाद में अब हम इसके अंदर सीमेंट का मिक्सचर डालेंगे। तो यहाँ पे जो सीमेंट का मिक्सचर है वो मैंने थिक बनाया, यानी कि ये ज़्यादा थिक भी नहीं है ना ज़्यादा रनी है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है वो है। तो यहाँ पे सब मैं दो लेयर सीमेंट लगाऊंगी एंड उसके बाद में मैं लेग्स इंसर्ट करूंगी एंड उसके बाद में मैं उसके ऊपर से एक और सीमेंट का लेयर लगाऊंगी। तो चारों लेयर कंप्लीट होने के बाद में मैं इसको अप्रॉक्स 3 दिन के लिए इसको आराम से सूखने दूंगी। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना सुखाएं, वरना आपकी जो सीमेंट है उसके अंदर क्रैक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चारों लेग्स के ऊपर एक सपोर्ट लगा दिया है ताकि ये इक्वल रहे एंड इनको सपोर्ट भी मिल जाए। तो 3 दिन के बाद में ये कम्प्लीट ड्राई हो चुका है एंड इसको निकालने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी होगी। तो आप देख सकते हो ये निकालते टाइम थोड़ा सा टूट फूट गया था, बट नो वरी, हम इसको रिपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वॉल पुट्टी यूज़ करूँगी इस पर थोड़े से डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी लिया, कोई से भी ब्रांड की वॉल पुट्टी ले सकते हो। अब हमें इसका एक डो रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 10 स्पून के वाइट सीमेंट लिए एंड मैं इसके अंदर सिर्फ 5 to 6 स्पून पानी डालूंगी। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। तो आपको इसका एक थिक डो रेडी करना है। तो हमारा डो रेडी हो चुका है एंड ये ना ज़्यादा स्टिकी है ना ज़्यादा टाइट है, आपको ऐसी कंसिस्टेंसी का डो रेडी करना है। अब हम इस डो की हेल्प से डिज़ाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ एंड ये जो मैं साइड में लगाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 डो ली हैं इक्वल क्वांटिटी के एंड मैं उनको ऐसे सिलेंड्रिकल शेप दूंगी एंड जैसे हम बालों में ब्रेड करते हैं आपको उसको वैसे ही ब्रेड करना है। एंड आपको इसको स्टिक करने के लिए सिर्फ पानी यूज़ करना है, इसको फेविकॉल यूज़ करके आपको स्टिक नहीं करना है, ये पानी से भी स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो ब्रेड है उसको रेडी कर लिया एंड अभी हम इसको स्टिक करेंगे। तो जिस सरफेस पे आपको इसको स्टिक करना है वहाँ से आप उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड उसके बाद में इसको स्टिक कर लीजिए एंड स्लाइटली इसको प्रेस कर लीजिए। सी इट्स, ये इतना ईजी है, आपको बस इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करना है एंड ये स्टिक हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही सारी तरफ कॉइल लगाने हैं एंड आप चाहो तो अपने मन से भी कोई डिज़ाइंस बना सकते हो, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, इट्स अप टू यू आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए। वॉल पुट्टी के डिज़ाइंस बनने के बाद में आपको इसको 5 to 6 आवर के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए रखना है। तो ड्राई होने के बाद में अभी हम इस पर कलर करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्राइमर का कोट कर रही हूँ इसके ऊपर। तो प्राइमर होने के बाद में अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट यूज़ करे हैं, आप चाहो तो इसके ऊपर एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू।
तो ब्लू कलर होने के बाद में ये जो हमने वॉल पुट्टी से ब्रेड्स बनाए थे मैं इसके ऊपर येलो कलर दूंगी। तो मैंने इसको येलो कलर देके भी कंप्लीट कर दिया, बट अभी हम इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव लुक देंगे। तो उसके लिए मैं 3D आउटलाइनर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास 3D आउटलाइनर ना हो तो आप क्या कर सकते हो, जो वॉल पुट्टी होती है उसका पेस्ट बना लीजिए। जैसे हम मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं आपको वैसे इसका पेस्ट बनाना है एंड कोन के अंदर आपको उसको फिल करना है। तो ये आपका 3D आउटलाइनर रेडी है। एंड अगर आपको कलर आउटलाइनर चाहिए तो आप उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर यूज़ करके 3D आउटलाइनर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वाइट कलर का यूज़ करा है एंड मैं इससे थोड़े से पैटर्न्स दूंगी। सो ये इसका फाइनल लुक है एंड मैंने इसके ऊपर वॉर्निश भी कर दिया था ताकि ये वाटरप्रूफ रहे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।